खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज कई नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। करीब 15 से 20 नेताओं की ज्वाइनिंग होगी भारतीय जनता पार्टी में। पूर्व मंत्री के पुत्र रिटायर प्रशासनिक अधिकारी सदस्यता लेंगे भारतीय जनता पार्टी की। कुछ नेताओं की घर वापसी भी बताई जा रही है। गुर्जर समाज से जुड़ा चेहरा भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये बेहद अहम जानकारी, क्योंकि अरुण सिंह का एक तरफ दौरा, दूसरी तरफ तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 नेताओं की ज्वाइनिंग होने वाली है पार्टी में, और इसमें पूर्व मंत्री के पुत्र रिटायर प्रशासनिक अधिकारी सदस्यता लेंगे बीजेपी की। अच्छा, कुछ नेताओं की घर वापसी भी बताई जा रही है। ऐसे में गुर्जर समाज से जुड़ा चेहरा भी शामिल हो सकता है बीजेपी में। कौन वो चेहरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो संख्या है वो 15 से 20 है। 15 से 20 नेता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, सदस्यता पार्टी की ग्रहण करने वाले हैं। क्योंकि चुनावी साल है, अब चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये जो चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे, तो देखना ये होगा कि पार्टी को कितना ज्यादा ये चेहरे मजबूती प्रदान करवाते हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि चुनावी साल है, बेहद अहम हो जाता है नेताओं का पार्टियां ज्वाइन करना, लेकिन ऐसे में बीजेपी में जो आज जिन नेताओं की ज्वाइनिंग होने वाली है उनके बारे में बताइएगा, और कितने ऐसे नेता बताए जा रहे हैं जिनकी घर वापसी होगी? देखिए, करीब 1.5 दर्जन के आसपास नेता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। काफी सारे नेता हैं, उनमें से कुछ नेता आज सुबह डिसाइड करेंगे कि वो इस बार के लॉट में सदस्यता ग्रहण करेंगे या अगले सप्ताह, क्योंकि अब ये हर सप्ताह लगभग यही कार्यक्रम जारी रहेगा। क्योंकि कल बड़े भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी दावा किया था और इशारा भी किया था कि आगामी दिनों में कई लोग भाजपा में आएंगे, तो वो इसी तरीके का इशारा था। क्योंकि चुनाव से पहले एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इनमें कई बड़े नाम भी हैं, कई प्रसिद्ध नाम भी है। नती सिंह एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे ज्वाइन करेंगे। खरेरा विधायक रहे हैं, वो खुद जो है वो ज्वाइन करेंगे। उनके अलावा एक कर्मचारी नेता है महेश व्यास, वो भी ज्वाइन करेंगे जी। एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वागड़ का, वो है अनीता कटारा, चूंकि विधायक रही है और कनकमल कटारा की पुत्रवधु है, वो भी ज्वाइन करेंगी। और उनके अलावा मध्य प्रदेश में एक IPS रहे और DG रहे, वो भी कल आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, पवन जैन। उनके अलावा एक IAS अधिकारी हैं, रिटायर हैं, सीकर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से एक पूरी फहरिस्त सी है। उनके अलावा गोपी चंद गुर्जर हैं और किशन लाल गुर्जर हैं, अतर सिंह गुर्जर हैं। गुर्जर समाज के भी बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जब सुबह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय आएंगे, तो इस दौरान उनसे और भी कई लोगों का मुलाकात करने का कार्यक्रम है। उस वक्त और डिसाइड होगा कौन कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ऐश्वर्य, बेहद अहम ये रहने वाला है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।